श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तक धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, कृपया इसे ध्यान से लास्ट तक जरूर सुने और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और भगवान विष्णु के अब तक के उनके 9 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार, भगवान विष्णु का यह 9 अवतार हो चुका है, जबकि अभी 10वां अवतार बाकी है और यह अवतार कल्कि अवतार है, जिसकी चर्चा कई हजार साल पहले शुरू हो गई थी और इस अवतार को लेकर भी कई तरह की भविष्यवाणियां बहुत पहले से ही की जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है। भगवान कल्कि का जन्म कब, कहां और कैसे होगा? धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग लगभग 4,32,000 वर्षों का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक जिले में होगा। भगवान कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे, अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और तब सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का अवतार कल्कि अवतार के रूप में जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा और 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। भगवान परशुराम जी उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि जी के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाह, और उनकी जो पत्नी हैं उनका नाम वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी पद्मा होगा। महाभारत और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी, कैसा होगा कलयुग के अंत में स्त्री पुरुष का व्यवहार। जीवन में मनुष्य सफलता और सुख सुविधा को पाने के लिए जाने अनजाने में न जाने कितने सारे पाप कर बैठता है और खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। हर मनुष्य अपनी नींद, चैन, सब कुछ खोकर दिन रात बस धन इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा है, ताकि इन पैसों से वो अपना और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। कलयुग में लोग कैसी कैसी हरकतें करेंगे? कलयुग के इस दौर में कोई व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा, वह बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भी भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देंगे। पति पत्नी विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता का अनादर करेंगे। धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी और हर ओर पाप ही पाप होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगेंगे और मौसम, बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आपको बता दें कि हर युग में मनुष्य के चरित्र और विशेषताओं में फर्क देखने को मिला है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कलयुग के चरण सीमा पर मनुष्य कैसे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और कलयुग में धरती पर धर्म से ज़्यादा पाप होगा।
गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का था, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, और वहीं पर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था, और अब कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। पुराणों के अनुसार मनुष्य की लंबाई हर युग में कुछ इस प्रकार रही है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है, और चरण सीमा पर यह घटकर 4 फुट ही रह जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कलयुग में मनुष्य के कुछ और विशेषताओं का वर्णन मिलता है। मनुष्य की आयु विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल ही रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही हैं? एक समय ऐसा भी आ जाएगा कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में सफ़ेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। धर्मगुरु पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहा जाएगा, ऐसे लोग धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा, सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। विवाह एक प्रकार का समझौता होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वह परिवार चलने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा, यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। परेशानी, विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी गर्मी बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड और गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएंगी, नदी तालाब सब सूख जाएंगे, जल के बिना धरती फटने लगेंगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्मदाह करेंगे, इसलिए अभी से पानी बचाने पर ध्यान दें। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही धर्म के राह पर चलने वाला माना जाएगा, और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर की जाएगी। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है, लोग धन के लिए अपने रिश्तेदार और परिवार वालों का खून भी बहा देते हैं। पूजा झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर यानी टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेतों को भी देवता मानकर पूजने लगेंगे। भोजन का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे, और समर्थ लोग भी सुखी नहीं रह पाएंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है लोग बिना सड़न के ही भोजन कर लिया करेंगे। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा धरती पर पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, व्यक्तियों में संस्कारों का नाश होगा, कोई गुरु की नहीं सुनेगा और वेदों को नहीं मानेगा, अधर्म अपने चर्म पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे, शक्तियों को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म का पताका लहराएंगे, और उसी के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं भगवान श्री कल्कि की अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के रूप में चित्रण होता है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, और कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हालांकि उनके अवतरण से पहले ही जयपुर के संस्थापक
सवाई जय सिंह दीति ने 1739 में जयपुर में भगवान कल्कि के मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी का जो मंदिर है वह हवा महल के सामने जो परकोटा क्षेत्र है वहाँ दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था उस मंदिर का निर्माण, और यहाँ भगवान कल्कि के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। साथ ही इस मंदिर के अहाते में एक क्षत्रिय नुमा जो गुमटी है उसमें पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस अश्व की प्रतिमा का पिछले पैर का खूर खंडित है, इसके पैर में घाव है। जैसे जैसे घाव भरता जा रहा है समय के साथ, और जिस दिन यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा, जो अपने शत्रु कली पुरुष का संहार करेंगे, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस होगा। कली पुरुष के प्रभाव से लोगों को मुक्ति कराएंगे। यह वही कली पुरुष है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिल गई थी, जो बहुत माहिर योद्धा होगा उसका संहार करेंगे और नर लीला भगवान करेंगे, जिसे देखकर लोक परलोक के प्राणी धन्य हो जाएंगे। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता भी उनके पृथ्वी पर आने के पूर्व अपना अवतार ले चुके होंगे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवी देवताओं के अवतार होंगे जो जन्म ले चुके होंगे, लेकिन अब बात कर रहा हूँ उनकी जो भगवान कल्कि की मदद करेंगे और वो पहले से ही धरती पर हैं। ये कौन हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। आपके बुजुर्गों ने भी आपको आशीर्वाद दिया होगा, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। कहा जाता है पृथ्वी लोक पर सप्त चिरंजीवी हैं, और यह जो सप्त चिरंजीवी हैं यह मदद करेंगे भगवान श्री कल्कि की जब महायुद्ध होगा। माना जाता है कि यह भगवान श्री कल्कि की मदद करेंगे और कलयुग को वापस सतयुग में ले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान के अवतार को मार्गदर्शन और शिक्षा देने में सक्षम कोई शिक्षक नहीं मिलेगा। सप्त चिरंजीवी बनाए गए सबसे पहले चिरंजीवी की बात कर लेते हैं। छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी कैसे बने, उनके पीछे की एक कथा है। कहा जाता है एक बार उनके पिता बहुत क्रोध में थे और क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी से कहा, अपनी माता का शेष काट दीजिए। ऐसे में परशुराम जी ने अपने पिताजी के बात का सम्मान किया और अपनी माँ का शेष काट दिया। उनके पिता प्रसन्न हुए और कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तब भगवान परशुराम जी ने मांगा और उनकी वह जो स्मृति है उसे भुला दीजिए। जब पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, मैं आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान देता हूँ, आप चिरंजीवी होंगे, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 महाकौशल विद्या सिखाने में मदद करेंगे। कहा जाता है भगवान श्री राम जी के पास और भगवान श्री कृष्ण के पास भी इतनी महाकौशल विद्याएं नहीं थीं। 64 महाकौशल विद्याओं के साथ अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की जो महारत है वो भगवान श्री कल्कि जी के पास होगी, और इन सब कौशल कलाओं को पाने में परशुराम जी भगवान श्री कल्कि जी की मदद करेंगे। दूसरे चिरंजीवी की बात करते हैं जो हैं राजा बलि। राजा बलि जो कि असुरों के राजा बहुत शक्तिशाली थे, एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे 20 विजय यज्ञ करने को कहा जिससे पूरी पृथ्वी उनके बस में हो जाती। ऐसे में उन्होंने यज्ञ की तैयारियां की, देवी देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग यानी 3 कदम की धरती चाहिए। राजा बलि खुश हुए, उन्होंने कहा अवश्य। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था बहुत विशाल हो गया और अपने 1 कदम से पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम से पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। तब राजा बलि को मालूम पड़ा कि यह तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, तो उन्होंने पूछा, राजा बलि मैं यह 3रा कदम कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने अपना शीश उनके सामने रख दिया और कहा, आप अपना 3रा कदम मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु जी राजा बलि के स्वभाव से प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया, जो चिरंजीवी बन गए। कहा जाता है कि कलयुग में जब युद्ध होगा तो राजा बलि अपनी सेना के साथ आएंगे
और भगवान कल्कि जी की मदद करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी चिरंजीवी, भगवान श्री हनुमान जी की। सबको भगवान श्री हनुमान जी के बारे में मालूम है, सब पूरी कथा जानते हैं, जो दूसरों का घमंड तोड़ने में और सही रास्ता दिखाने में सबसे उत्तम है। श्री हनुमान जी आज के समय में पृथ्वी पर हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक कथा है कि जब भगवान श्री राम को अपने धाम वापस जाना था तो उन्होंने हनुमान जी के साथ एक रचना रची। राम जी ने अपनी एक अंगूठी धरती की जो दरार थी उसमें फेंक दी और वह दरार पाताल लोक को जाती थी। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, आप मेरी अंगूठी लाकर दे दीजिए। मुद्रिका लेने के लिए प्रभु के आदेश का पालन करते हुए हनुमान जी दरार में गए और हनुमान जी के जाने के बाद ही भगवान श्री राम जी वैकुंठ लोक जा सके और इस प्रकार हनुमान जी को वरदान में चिरंजीवी रहने का अमरता का वरदान मिला। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की मदद करने श्री हनुमान जी उनके सारथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। अब बात करते हैं चौथे चिरंजीवी की। दो भाई, एक लालची क्रोध से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, हमेशा घमंड में डूबा रहने वाला और दूसरा स्वभाव का शांत, प्रभु की भक्ति में मन लगाने वाला। चौथे चिरंजीवी यानी कि रावण के भाई विभीषण। रावण ने जिस रास्ते को चुना, विभीषण जी ने उसके ठीक विपरीत रास्ते को चुना, सच्चाई और अच्छाई को चुना। रावण के बुरे कर्मों पर आवाज़ उठाई, समझाने की कोशिश की और जब रावण ने नहीं सुनी तो विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास गए और उनका साथ दिया। कह पाना मुश्किल है कि विभीषण जी को अमरता का वरदान प्राप्त कब हुआ, लेकिन कहा जाता है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो रहा था तो विभीषण जी सहदेव जी से मिले थे। ऐसी कथाएं और माना जाता है कि विभीषण जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। विभीषण जी ने जिस अच्छाई का साथ दिया उसी तरीके से विभीषण जी एक बार फिर से भगवान श्री हनुमान जी के साथ कलयुग के अंत में अच्छाई का साथ देंगे और भगवान श्री कल्कि का साथ देंगे। पांचवें चिरंजीवी की बात करते हैं, वे हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, जिसे अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। अश्वत्थामा को वरदान मिला था, बीमारी, भूख, प्यास, हथियार के हमले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आगे चल करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन से दोस्ती की, महाभारत के युद्ध में अपनी अमरता के घमंड के चलते कौरवों का साथ दिया और इतनी गलतियां की कि भगवान श्री कृष्ण ने अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, हमेशा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी, भूखे प्यासे रहोगे और तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती की और पश्चाताप करते हुए कलयुग के अंत में जब महायुद्ध होगा तो अपनी कौशलताओं का इस्तेमाल करेगा जो कि महाभारत के युद्ध में की थी और कलयुग के इस महायुद्ध में भगवान श्री कल्कि जी का साथ देगा। अब बात करते हैं छठवें चिरंजीवी भगवान वेद व्यास जी की, जिन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता है, जिन्होंने वेदों को चार भागों में बांटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने अपने जीवन काल में 18 पुराण लिखी, जिनका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा तो भगवान कल्कि को भगवान वेद व्यास जी वेदों और लिखी गई हर एक पुराण का ज्ञान प्राप्त कराएंगे जो कि युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी आचार्य की, यानी कि कृपाचार्य। कृपाचार्य जो कि कौरवों के पांडवों के गुरु थे, महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात आती है तो उनका नाम आता है। एक बार उन्होंने महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन से भीषण युद्ध किया था। भले वो युद्ध में कौरवों के साथ थे लेकिन पांडवों के साथ कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया और उनके इसी भाव को देखकर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है भगवान श्री कल्कि की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो कृपाचार्य जी देंगे
अब बात करता हूँ भगवान श्री कल्कि का कब अवतार होगा। कलयुग का प्रारंभ कहा जाता है 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया था। तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का जो इतिहास है वह 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। हालांकि अभी कलयुग का बहुत कम समय बीता है, इसलिए इस अवतार के होने में काफ़ी समय शेष है। अभी तो आप और हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कलयुग से बचने का उपाय, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कलयुग में बढ़ते इन पापों के बीच भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो चलिए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण की यह 4 बातें। पहली बात, दान। भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ यह है किसी ज़रूरतमंद को वह चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना, जिससे पाने के लिए वह सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरी बात, कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। वास्तव में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं किया जाता, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से ध्यान और जप करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तीसरी बात, आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि पैसों के पीछे भागते भागते व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई अधर्म कर बैठता है। लेकिन भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्मसंयम का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए अत्यंत मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों में यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के बताई गई इन 4 बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।